ऑफ सीजन में कुछ ऐसा है। काली बिल्ली रास्ता काट रही यार। गाइस इमरती हो जाए मजा आ जाएगा। गाइस इमरती खा लेंगे तो। वेलकम यू ऑल ऑन माई YouTube चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे, कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। मैं भी कुछ अच्छा करने में लगा हुआ हूँ। तो एक नए और बेहतरीन से दिन की शुरुआत करते हैं, एक नए और बेहतरीन से ब्लॉग के साथ। बाल वाल तो मैंने कटवा लिए हैं, वैसे मैं कटवाना नहीं चाह रहा था पर लंबे हो गए थे और बार बार निकल रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, गर्मी में निकल रहे हैं, मिट्टी विट्टी से बन नहीं रहते, तो इस वजह से मुझे बाल कटवाने पड़े और मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ कटवा के। वो हर बार की तरह वो तो रहेगा ही, पता नहीं कब मेरे बाल ढंग के कटेंगे। बट सही है, अभी का सीन ये है, अभी फ़िलहाल अभी बज रहे हैं 10:37 हो रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार। क्यों नहाने, क्योंकि बहुत टाइम से हमारा मन था। और मेरी मेन वजह ये भी है बाल कटाने की, ताकि मैं नहा लूँ वहाँ पे जाके। बाल कटे होंगे तो लंबे बालों में मैं नहा नहीं पाऊँगा, साइनस की प्रॉब्लम है वैसे ही, और फिर सर दर्द शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं नहा लूँगा ढंग से कम्फर्टेबली। तो अभी हम चार जने जा तो हैं ही, एक मेरा दोस्त है वो भी जा रहा है, तो हम पाँच जने जा रहे हैं हरिद्वार। तो वहाँ जाएंगे, ब्लॉगिंग करेंगे और दिखाएंगे कि कैसा सीन है, क्या हो रहा है। बस जी, तो आप साथ रहिए और देखते रहिए क्या क्या होता है। बाल यार बस ठीक से हैं, जैसे तैसे ज़िंदगी जी लेंगे यार। खुशी देख रहे हो, खुशी कितनी है, यहाँ है 98.16 यूपी में 98 रुपए लीटर है, और खुशी होती है ऐसी चीज़ देख के, क्योंकि बहुत हैवी जा रहा है। तो फिलहाल की कहानी ये है, अभी बज रहे हैं रात के 2 और अभी हम रुके हैं एक ब्रेक पे, कुछ चाय पियेंगे या फिर कुछ पकोड़े वकोड़े खाएंगे। मैं तो नहीं खाने वाला क्योंकि मैंने घर से राजमा चावल ले लिए थे और राजमा चावल घर के हैं, और वो भी चावल वो वाले और प्याज के छोंक वाले, तो उसके सामने क्या ही खाएँगे। थोड़ा बहुत मुँह मार लूँगा, उससे ज़्यादा क्या करूँगा मैं। फ्रेंच फ्राइज टेस्ट बढ़िया का, इलायची फ्लेवर है। खाना पीना हो गया है और अब जा रहे हैं वापस रोड पे, बस निकलते हैं। फ्रेंच फ्राइज ही खाया, ज़्यादा कुछ नहीं खाया क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ बन ही नहीं रहा था, चाउमीन वगैरह कुछ भी। बस वगैरह भी आते से रोड से लाते हैं। ये देखो सीन ये है, मौसम बढ़िया हो रहा है, धूप सी भी हो रही है, नहाने लायक है। बट अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे नहाने के लिए, अभी थोड़ा टाइम है, अभी कुछ खाएंगे। अभी थोड़ा सा पहले तो आराम कर रहे हैं क्योंकि पापा ड्राइव कर रहे थे, ज़्यादा थक गए हैं, तो इस वजह से अभी वो थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। तो फिलहाल आलू पराठा, दही और एक दाल मखनी आएगी, बस ये चल रहा है अभी, उसके बाद फिर जाएंगे नहाने। अभी हम पूरी फैमिली जा रहे हैं ई रिक्शा में, एक वो बैठा हर की पौड़ी पे नहाने के लिए जा रहे हैं। इसका प्राइस है 20 रुपये पर बंदा। और ये देखा क्या कर रहे हैं इनके लिए, यहाँ से मतलब एक टोकन कटता है जिसके वजह से ये वहाँ जाते हैं टोकन लेके, तो इसलिए इनका 20 रुपये पर हेड है। सही है, मतलब पहले हम स्कूल में थे जब जाते थे रिक्शा में, उसके बाद आज बैठा हूँ मैं, वरना तो बाइक पे अब वैसे ही जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, अच्छा लगता है। स्कूल में हम लटक के जाते थे इसमें बलवंत राय से। सही है, पर अरे है तो तौलिया, मैं लाया हूँ जब बोल रहा हूँ। तो ऑफ सीज़न का ये फ़ायदा है कि साफ़ सफाई है यहाँ पे, थोड़े बहुत भीड़ है बट सही है। ऑन सीज़न में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और थोड़ा सा ना, ये देखो ऑफ सीज़न में कुछ ऐसा है।
वो रे जी मुंह घुमा के खड़े हैं भोलेनाथ, वो पीछे पहाड़, नीचे भीड़ और उधर मंदिर और पीछे ये मम्मी। जो मार्बल है ना नीचे, ये मेरे लिए थोड़ा सा ना डेंजरस है, क्योंकि जब मैं छोटा था ना तो मैं यहाँ पर आ रहा था और मैं फिसल गया था, जिसकी वजह से मेरी बैक में चोट लग गई थी, जो बहुत बेकार चीज़ है। तो वो चीज़ मुझे याद आती है ना ये देख के, वाइट वाला पत्थर, तो दिल से ना ऐसा हो जाता है, क्योंकि अभी भी बहुत पेन हो जाता है कई बार लोअर बैक में, तो वो चोट मेरे को यहाँ लगी थी। तो जी नहाना धोना तो हो गया, कपड़े कुछ ये पहन लिए हैं, जीन्स डाल ली है, पर नीचे चप्पल ही पहनूंगा अभी तो फिलहाल। पापा नहा रहे हैं, बहुत देर तक नहाएंगे पापा, तो वो रहे वो नहा रहे पापा और वो रहा दीपू, तो ये दोनों मस्ती कर रहे हैं अभी फिलहाल, इनका यही सीन है। ये देखो जी पूरा व्यू, ये सूरज कुछ इस तरफ है इस तरफ। तो फिलहाल का सीन ये है कि हमारा तो नाना धोना हो गया पूरी फैमिली का, हमारी रानी थोड़ी गंदी हो रही है, तो अभी देखते हैं कोई जुगाड़ अगर इसके लिए हमें पानी मिल जाता है यहाँ पे, मतलब गंगा से, तो हम सोच रहे हैं इसको भी गंगा से नहला दें आज मजे से, देखते हैं। मिल तो गया, तो इसे भी गंगा से आज नहला ही देते हैं बढ़िया तरीके से। सही है, ये पहली बार नहा रही है वैसे गंगा में, इससे पहले वाली थी वो तो नहा चुकी थी, एक दो बार नहा चुकी थी वो, तो ये वाली पहली बार नहा रही है। हमारे लिए तो बहुत कीमती है ना ये, तो जितना ज़्यादा इसका ध्यान रखेंगे ये हमारा रखेगी, तो हम इसका रख रहे हैं। रुके हैं वहाँ पे, खासियत ये है ये रहा घाट एक, और ये गेट, ये वैसे खुला था बट टाइमिंग के हिसाब से बंद है, और वहाँ पर गाड़ी है, तो यहाँ से भर भर के जल्दी से हम पार कर देंगे। थोड़ा सा कार्डियो हो जाएगा, वैसे ही वेट कम ही हो रहा है यार, बढ़ तो रहा नहीं है अभी, पर इस बहाने हमारी गाड़ी धुल जाएगी। सही है, पहले कर लूँ मैं, फिर मिलता हूँ जी। ये भरी मैंने बाल्टी, ये मेरा वैसे दूसरा चक्कर है। चांद लगाना देसी। ढंग से डाल दो, कर ही रहे तो कर दो ढंग से, अब है ना। मैं काली बिल्ली रास्ता काट रही यार, मैं घूम के चला जाऊंगा, मेरा क्या है, फिर रास्ता काट रही है। काट दिया, लो जी काट दिया, क्या करें, हमारे यहाँ तो बिल्ली का ही राज चल रहा है। पहले कुत्ते थे, मतलब हमारा स्ट्रीट डॉग था एक, तो वो हमारे साथ ही ज़्यादातर रहता था और बातचीत, मतलब मेरी तो बातचीत सुन ही लेता था, समझ लेता था। तो उसका सीन ये था कि एक लॉकडाउन जो हुआ था उसमें वो बेचारा हो गया, तो मतलब वो बंदा ऐसा था मगर कि अगर उसके सामने तुम कितना भी ट्रेन डॉग ला के खड़ा कर दो, अगर मैं अगर उसके सामने खड़ा हो गया ना, जो मैंने बोल दिया वो बंदा सुन लेता था, वैसी बात, खाना भी रख दो ना जब तक मैं नहीं बोलूँगा ना खाने के लिए, जब तक नहीं खाता था। एक दिन उसका मतलब यहाँ से पूरा कान पे से पता नहीं किसी ने बेवकूफ़ ने साड़े ने कुछ मार दिया होगा, तो उसका पूरा यहाँ से खून खून मतलब बहुत ज़्यादा निकल रहा था, तो उसके पास कोई भी आ रहा जा रहा था ना तो उसको काट रहा था, भौंक रहा था। मम्मी भी देख के बहुत टेंस हो गई थी और मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं गया, बंदे ने बात सुनी, फिर मैंने अपनी कज़न सिस्टर को लिया, फिर उसको ऑटो में बैठाया, बैठ गया, फिर उसको लेके गया हॉस्पिटल, उसका चेकअप वेकअप कराया। और फिर जब वो एक या डेढ़ हफ्ते बाद आया था ना, तो सबसे पहले वो एम्बुलेंस में से उतर के सबसे पहले मेरे घर पे आया था, तो वो चीज़ देख के बहुत ज़्यादा अच्छा सा लगा था, अच्छा लगता है ऐसे करने से। उसके बाद फिर जब वो कोरोना के टाइम पे एक्सपायर हो गया था वो, और उसका एक्सपायर भी ना हमारे घर के पास नहीं हो, कहीं दूर जाके वो मतलब दिखा ही नहीं, बस ये पता चल गया था कि हाँ अब नहीं है वो। तो वो चीज़ मतलब एक लॉयल डॉग होता है ना, तो मैंने ज़्यादातर देखे जैसे अगर जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनसे जिनसे आप ज़्यादा लिंक रखते हो ना, अगर उनकी हेल्थ वेल्थ में कोई इश्यूज़ आ रहे होते हैं ना, तो अपने आप ही पता नहीं कहीं और चले जाते हैं घर के उनके पास से,
तो ये चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा, तो उस वजह उसके बाद इसलिए मैंने ना कभी भी कोई ज़्यादा स्ट्रीट डॉग्स के साथ ना लिंक के साथ वो नहीं बनाया, ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हुआ, बस ये है खाना वाना देता हूँ दूर से, ज़्यादा मैं मतलब ज़्यादा प्यार व्यार नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, एक तो उनकी लाइफ भी बहुत कम होती है यार, क्या करें, बट सही है उनका ध्यान रखो एनिमल्स का। मैं इसलिए एनिमल्स का ध्यान रखने के लिए बोलता हूँ क्योंकि इंसान से ज़्यादा लॉयल वही रह गए हैं आप, किसी इंसान की तुम हेल्प करोगे ना चाहे वो कितना ही करीबी हो। मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि वो बंदा ज़रूरत के वक्त में अकेला ही छोड़ देता है, क्योंकि मेरे साथ ज़्यादातर यही हुआ है, तो इस वजह मतलब ये नहीं कि इंसानियत बेकार है, ये है वो है, अच्छे हैं पर बहुत कम है, तभी तो दुनिया चल रही है। अगर वो बहुत कम वाले भी कम हो गए फिर तो तुम्हें पता ही है जी, कलयुग है चलेगा। आज भी किसी दुकान ने कहा ऊपर पहाड़ इमरती हो जाए मजा आ जाएगा गाइस, इमरती खा लेंगे तो इनके नाम पे बड़ा है गाइस, कोई गाइस भीम घोड़ा ये रहा गाइस, ये रहा भीम घोड़ा। तो अभी फ़िलहाल हैं हम तक्ष के मंदिर में, ये बेसिकली वो जगह है जहाँ पे उन्होंने हवन किया था, जहाँ पे सती हुई थी, वो जो कूद गई थी ना उसमें, ये वो है बेसिकली जगह। यज्ञ कुंड जहाँ पे सती हुई थी माँ, वहाँ गंगा है पूरा इधर से रास्ता, ये वो कुंड है, यहीं पे सती हुई थी पार्वती जी, मंदिर है यहाँ पे, माँ सती का जन्म हुआ था, ये भी यहीं है हरिद्वार में। और ये फोटोग्राफ्स अलाउड नहीं, मैं जितना दिखा सकता था मैंने उतना दिखा दिया, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं मेरे को भी ठीक नहीं लगा, क्योंकि अलाउड नहीं है तो फिर ठीक नहीं है, जितना दिखा सकता था मैं उतना दिखा दिया मैंने। बाकी ये पीछे व्यू देख रहे हैं, गंगा बह रही है, ये जन्मस्थली है, और वहाँ पे वो जो मैंने आपको हवन कुंड दिखाया था वो है जहाँ पे वो सती हुई थी। तो ये कहानी थी यहाँ की दक्ष मंदिर की, जो हरिद्वार में है, यहाँ पे दोनों जगह है जहाँ पे मर्यादा हुई थी और दूसरी जहाँ पे वो जिस हवन कुंड में वो सती हुई थी। अब यहाँ से निकल रहे हैं, टाइम हो रहा है 4 बज गए ऑलमोस्ट, 3:55 हो रहे हैं, तो अब बस यहाँ से कुछ सामान वामान लेके निकलते हैं अपने स्वीट होम। ये सारा था तो मैंने आपको पूरा दिखा दिया, जितना मैं दिखा सकता था, जितना अलाव था उतना मैंने कर दिया। बाकी आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, आएंगे आपको अच्छा ही लगेगा। अभी बस ऑफ सीज़न है इस वजह से यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सही था, भीड़ ज़्यादा नहीं थी, लाइनें नहीं थी, और ऊपर से बारिश भी हो गई तो सही था। और अभी गाड़ी की सर्विस भी आने वाली है, तो 2 सर्विस तो गाड़ी की फ्री हुई है, क्योंकि कहीं की चली नहीं है, वो ज़्यादा खड़ी रही है, तो हमने सोचा कि इस 3rd सर्विस से पहले एक बार इसे थोड़ा सा घुमा लें, ताकि कि थोड़ा सा ना दिल में दुख ना हो कि ये सर्विस भी फ्री जा रही है।